हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अजय देवगन की टॉप 10 ओपनिंग डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। दोस्तों, जैसे कि फिल्म रिलीज होती है, फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किस फिल्म का ज़्यादा है, किस फिल्म का कम है, तो वो टॉप 10 अजय देवगन की फिल्म जिन्होंने फर्स्ट डे पे काफ़ी शानदार कमाई की। तो बात करते हैं फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों, जो पहले नंबर पर फिल्म आती है, उस फिल्म का नाम है सिंघम रिटर्न, और सिंघम रिटर्न ने अपने डे वन पर कमाई की थी 32.09 करोड़। उसके बाद आती है गोलमाल अगेन, तो और गोलमाल अगेन ने अपने डे वन पे कमाई की थी 30.14 करोड़। तीसरे नंबर जो फिल्म है, उस फिल्म का नाम है टोटल धमाल, और इस फिल्म ने कमाई की थी 16.50 करोड़। उसके बाद नाम आता है बादशाहों का, तो बादशाहों ने अपने डे वन पे कमाई की थी 12.60 करोड़ की। फिर बोल बच्चन, बोल बच्चन काफ़ी अच्छी फिल्म थी, और इस फिल्म ने अपने डे वन पे कमाई की थी 12.10 करोड़ की। उसके बाद फिल्म आती है हिम्मत वाला, हिम्मत वाला काफ़ी बड़ी फ्लॉप थी, लेकिन फिल्म का फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफ़ी अच्छा था अजय देवगन करियर के हिसाब से, तो फिल्म ने अपने डे वन पे कमाई की थी 12.10 करोड़ की। उसके बाद नंबर आता है सत्यग्रह का, काफ़ी अच्छी फिल्म थी, और ये फिल्म भी कुछ खास कमाई कर नहीं पाई थी बॉक्स ऑफिस, लेकिन फिल्म का फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है 11.21 करोड़। आठवें नंबर पर जो फिल्म आती है, उस फिल्म का नाम है सन ऑफ सरदार। फिल्म काफ़ी अच्छी थी, फुल टू फैमिली एंटरटेनमेंट और कॉमेडी फिल्म थी, और इस फिल्म ने अपने डे वन पे कमाई की थी 10.72 करोड़। नवे नंबर पर जो फिल्म है, उस फिल्म का नाम है राजनीति। दोस्तों, फिल्म ब्लॉकबस्टर थी, और इस फिल्म में अजय देवगन का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला, तो फिल्म ने अपने डे वन पे कमाई की थी 10.50 करोड़। अब बात करते हैं दसवें नंबर के फिल्म के बारे में। तो दोस्तों, दसवें नंबर की जो फिल्म है, उस फिल्म का नाम है दे दे प्यार दे, और इस फिल्म ने अपने डे वन पे कमाई की है 10.41 करोड़। तो दोस्तों, ये है वो 10 फिल्में जिन्होंने अजय देवगन की करियर की जो टॉप 10 ओपनिंग फिल्म होती वो थी। तो दोस्तों, ये है वो 10 फिल्में अजय देवगन करियर की जिन्होंने काफ़ी अच्छी ओपनिंग ली। तो मिलते हैं किसी और फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन या किसी लेटेस्ट जानकारी से। जब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए एंटरटेनमेंट।